Hey guys, welcome back again on my new video. So, अभी हम हैं कांदिवली स्टेशन पे और आज हम जा रहे हैं मुंबई टूर पे, जैसे कि चर्नी रोड के बाबुलनाथ मंदिर, इस्कॉन और कई सारे जगह. So, अभी मैं मिलाता हूँ आपको कि हमारे साथ कौन कौन है. सैनवाज, मनीष, नेहा, अनन्या एंड निकिता अंजलि. So, आज हम सब जा रहे हैं ग्रुप में, काफी मजा आने वाला है. अभी फिलहाल हम है कांदिवली स्टेशन पे और चर्च गेट के लिए वेट कर रहे हैं कि कब ट्रेन आए. तो दोस्तों, ट्रेन आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं ट्रेन में, और ये मैं फर्स्ट क्लास के कोच में चढ़ गया हूँ. बस अब यहाँ से लगेंगे कुछ 40 to 45 minutes हमें चर्नी रोड स्टेशन पहुँचने तक. सो गाइस, अभी हम चर्नी रोड स्टेशन से उतर कर जा रहे हैं, फर्स्ट बाबुलनाथ, फिर उसके बाद इस्कॉन एंड वहाँ से होते हुए मुंबा देवी टेम्पल. तो अब हम ये आ गए हैं चर्नी रोड स्टेशन के बाहर, और यहाँ से अभी हम जाएंगे टैक्सी पकड़ के. तब तक हमारा कुछ डिस्कशन चल रहा था. और ये रहा स्टेशन के बाहर का जो व्यू है चर्नी रोड स्टेशन के वेस्ट में. तो गाइस, दिस इज द डेड टर्नल. Explain it properly. Sanmaj? Why are you laughing? You told me, na? Kya kaha tha mar dawa? तो दोस्तों, हमें भी मिल गई है टैक्सी और अब हम जा रहे हैं बैठ के. यहाँ से कुछ 5 minutes डिस्टेंस है टैक्सी से बाबुलनाथ मंदिर. तो हम चर्नी रोड वेस्ट में आके बाबुलनाथ मंदिर में जा रहे हैं. मनीष, सो गाइस, हम भी अब जो है चर्नी रोड वेस्ट में आके ले चुके हैं टैक्सी और अभी हम टैक्सी में बैठे हैं. बस कुछ ही मिनट में अभी हम पहुंच जाएंगे बाबुलनाथ मंदिर. तो टैक्सी का सफ़र हो गया शुरू. ये गिरगांव चौपाटी से होते हुए जा रही है. आप देख सकते हैं कितना क्राउड है गिरगांव चौपाटी बीच जो है. और ये मैं, जो मैं खुद से सेल्फ ओबेस था, बस खुद को देखे जा रहा हूँ, कैमरे में देखे जा रहा हूँ और खुद से ही मोह जा रहा हूँ मैं तो. सो गाइस, जस्ट किडिंग, डोंट माइंड एट ऑल. तो हम बस पहुँचने ही वाले हैं कुछ टाइम और. आपके यहाँ से बाबुलनाथ मंदिर कितने डिस्टेंस पे है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. सो गाइस, हम ये पहुँच ही गए हैं. बस ये देखिए, श्री बाबुलनाथ मंदिर, जो कर की बाहर का एंट्री गेट है. तो अब हमने लगाया ये तिलक, चंदन का जो कर की है, और यहाँ पर सभी धीरे धीरे करके हम सभी ने लगाया. ये सुष्मिता जी ने और हमारे साथ जितने भी लोग थे सभी ने एक एक करके ये चंदन का तिलक लगवाया. ये देखिए, इनके पास काफ़ी सारा वैरायटी था तिलक में भी. त्रिशूल महाकाल, तो सबसे पहले गाइस अंदर जाते ही ये श्री गणेश जी का मंदिर द्वार पे ही, और फिर आगे आता है ये सिक्योरिटी चेक इन. तो सिक्योरिटी चेकिंग करवाते हैं अब. और ये हम एंटर कर चुके हैं मंदिर में गाइस. ये देखिए, काफी प्राचीन सा है. और ये अभी हम अभी तक मेन मंदिर तक पहुंचे नहीं. सो गाइस, कुछ 150-200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर फाइनली आ ही गया. और ये ऊपर का व्यू जहाँ से लिफ्ट भी आता है, काफ़ी सुंदर और आकर्षित व्यू है. और इसके हर एक पेंटिंग पे कुछ ना कुछ हमें जो है नॉलेजेबल थिंग्स देखने मिल जाएंगे. और फिर ये आते ही स्टार्टिंग में है श्री हनुमान जी का मंदिर,
तो हमने यहाँ पे दर्शन किया पहले, और फिर ये देखिए जो हमारा मेन मुख्य मंदिर है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी सुंदर है। सो गाइज़, मुझे यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी पीसफुल और काफ़ी ब्लेस्ड फील हो रहा है। आप लोग भी ज़रूर आइएगा और यहाँ का जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, उसे फील करिएगा। सो अभी कुछ ही टाइम में आरती शुरू होने वाला है, हम जस्ट वेट कर रहे हैं आरती का। ये है अंदर गर्भगृह। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि कैसे हमने और कितने अच्छे से बाबुलनाथ मंदिर में जो है आरती अटेंड किया भोलेनाथ का। और अब हम जा रहे हैं इस्कॉन में, और काफ़ी अच्छा फील हुआ आरती अटेंड करके। अब हम आ गए हैं इस्कॉन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि इस्कॉन टेंपल भी काफ़ी पीसफुल प्लेस था, काफ़ी सुंदर मंदिर था पूरा नाइट मोड की तरह। होप ऑल ऑफ यू गाइस लव द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।